बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वैद, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू फैशन। तो वैद, आज की कलेक्शन में मैं आप लोगों के लिए क्रेटिक शर्ट की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ और आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप क्रेटिक पैटर्न को किस तरीके से अपने ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं और उन्हें एक पार्टी वेयर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारे से आइडियाज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है ये, और आप इसमें हमारी इस वीडियो में बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं, बहुत सारी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं और बहुत तरह की आप इसमें चीज़ें कैरी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्रेचिट फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइडेड फैब्रिक होती है जिसे कि चिकन भी कहते हैं, चिकनकारी कहते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आप अपने ब्लाउज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, आप नेट के साथ भी क्रेचिट लेस लगाकर अपने ब्लाउज़ को बनाइए तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेचिट लेस है और वो थोड़ी चौड़ी लेस है, यानी कि उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उसे सेंटर लेस के साथ जॉइंट कीजिए, उसकी एक सीधी सीधी उसे जॉइंट करके सीधी फैब्रिक बनाइए और उसके आप बिल्कुल सिंपल राउंड नेक में ब्लाउज़ उसकी स्टिच करें तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की लुक देती है। और अगर आप इसी तरह के ब्लाउज़ मार्केट से परचेस करती हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिल जाते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन जब आप खुद से अपने आइडियाज़ से घर में स्टिच करती हैं या फिर करवाती हैं तो वो आपको एक तो रिज़नेबल प्राइस में बढ़ते हैं और फिर वो एक ही होता है, क्योंकि जैसा दूसरा होता नहीं है, वो आपकी अपनी क्रिएशन होती है, अपने आपकी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी होती है, तो वो ब्लाउज़ आपके बिल्कुल ही अलग लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं और सबसे अच्छी बात बहुत प्यारे लगते हैं। उसके अलावा आप ये देखें, क्रेचिट फैब्रिक यूज़ करके उसके साथ अगर आप थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवाइए, या फिर अगर आपके पास कोई भी क्रेचिट फैब्रिक है और आप उसे यूटिलाइज करना चाहती हैं, अपने किसी भी ड्रेस में लगाना चाहती हैं, बनवाना चाहती हैं, तो आप उसे कटिंग करवा के अगर आप लगाती हैं तो उससे ये डर होता है कि जो क्रेचिट होता है वो, क्योंकि बुनाई उसकी नीटिंग होती है तो वो उधर जाता है, तो आप उसे अगर कटिंग करके लगवाती हैं तो उसकी सारी एक तो शेप भी ख़राब होती है और उसके अलावा वो पूरी फैब्रिक आपकी ख़राब हो जाती है। तो ये जैसे आप ये देख रहे हैं, इसी तरह से जिस तरह से शेप हो आप उसी शेप में भी लगा सकते हैं, आप उसे पर्ल के साइड भी ज्वाइन करवा सकते हैं क्रेचिट फैब्रिक को, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। उसके अलावा अगर आप स्मॉक स्टाइल में स्लीव्स बनाते हैं क्रेचिट ब्लाउज़ की तो वो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। और अगर आप ये ब्लाउज़ तमाम के तमाम आप चाहते हैं कि आप ये लें, आप परचेज करें और आपको ऐसे ब्लाउज़ चाहिए और आप खुद से कुछ भी नहीं करना चाहती, तो आप इजीली ये परचेस कर सकती हैं किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि अली एक्सप्रेस है या फिर अमेज़ोन है, लाइट इन द बॉक्स है, इस पॉप्स के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहाँ से ले सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि काफ़ी फेमस है, तकरीबन तमाम लोग उनको जानते हैं, तो वो इजीली वहाँ से आप परचेज़ कर सकती हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है कि पता नहीं कैसी आएगी। तो व्यूअर्स, आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारे आइडियाज़ कैसे लगे, हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ लगे बेल आइकन पर टैप करना है। उसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे तो आपने ऑल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है और आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।